नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे सामने नाजी एक बंदा आ रहा है सामने, लगने में तो बंदा है फिलहाल। आप कमेंट दे सकते हैं क्या हो सकती है, क्या चीज है, कंट्रोल नजदीक आने दे। आप देख और जूम करें तो बंदा है मगर से लोगों ने बातें की है, कुछ अजीब क्या हालात है इसके बारे में, गजब बेइज्जती है। आप क्या कमेंट करने चाहेंगे, बंदा ही है। बस सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय फ्रॉम चकबेती, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? ये है अहमद हसन, ये आप देख रहे हैं जितनी भी जमीने हैं, जितनी सारी फसलें हैं, ये सब इन्हीं की हैं, कल्ला ही मालक। और अब ये पकने को तैयार है और ये इनकी इंस्पेक्शन के लिए आ जाए हैं। अहमद साहब क्या कहते हैं, कितने दिन बाकी हैं इसकी कटाई में? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कल बारिश आ गई, जिसकी वजह से अभी इसमें 6-7 दिन और लग जाएंगे। अच्छा, तो अब अहमद साहब आप ये बताएं कि अब ये बिल्कुल कटने को तैयार थी लेकिन अचानक से जब मौसम खराब हुआ है, बारिशें शुरू हो गई हैं, तो इसका फसल पे कैसा असर पड़ेगा? क्या ये पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है? इससे क्या जो प्रोडक्शन है वो कैसे इसके आप रेट करेंगे इसको? अपने लापरवाही का नतीजा है, लानत है यार, लानत ही है। हाँ तो क्या कह रहे थे मतलब? मैं कुछ भी नहीं कह रहा। नहीं भोग लो कुछ। थोड़ी देर बाद हम बताते हैं आपको। दोस्तों ये जो जरा इंसान है, ये जरा कैमरा शय है, ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा तो हो गया ये, जरा ये शर्माता कैमरे के सामने आने से। कैमरा शय मैं भी हूँ लेकिन मैं जरा ढीढ़ बना हुआ हूँ। अच्छा तो जरा हम आपको एक लुक दिखाते हैं इस वक्त फसल की क्या सिचुएशन है, ये देखिए। मैंने इतना खास पता ही नहीं क्या दिए। जिस इलाके में मैं रहता हूँ यहाँ पर ज्यादातर गंदम ही काश्त की जाती है, तो इस पास आप देख सकते हैं, आप जहाँ तक देख रहे हैं, जहाँ तक अपनी नजर जा रही है, आप देखेंगे नजर आएगी आजकल। इसके बाद आपको यहाँ मकई नजर आएगी, बस गंदम या मकई जो ज्यादा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आलू काश्त कर लेते हैं। इस जमीन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है कि यहाँ पे जो फसलों की रेंज है वो ज्यादा वाइड नहीं है, यहाँ पे चंद एक फसलें हैं वो ही बैक टू बैक काश्त की जाती हैं। और जहाँ तक मुझे याद है जब मैं छोटा था तो यहाँ हमें गन्ने की फसल भी देखने को मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज का कि क्या क्या फर्क है, क्या जमीन के अंदर चेंजेस आए हैं कि अब लोग ज्यादातर वो काश नहीं कर। ये दूसरे किसान का बेटा है मोहम्मद लियाकत जी। अस्सलाम वालेकुम उसामा लियाकत, अपने बारे में आप थोड़ा इंटरव्यू देना चाहेंगे प्लीज? मेरे भाई अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप प्लीज रुक जाएं। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा लियाकत और मैं इसी गांव का रिहायशी हूँ। अगर आप मेरी तालीम की बात करें तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन बीइंग अ जुलीजर मेरा दिल यहाँ बसता है। जितना मेरा दिल लगता है यहाँ पे आके, कोई शहर कोई कस्बा मुझे उतना नहीं लुभाता। मैं पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में घूमा हूँ, लेकिन जो मज़ा मुझे, जो दिली सुकून मुझे अपनी इस धरती पे आके मिलता कहीं नहीं मिलता। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इन खेतों में जहाँ पे तकरीबन फसल की कटाई शुरू हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं मौसम जो है वो ज़रा कुछ ख़राब है, बारिशों का सिलसिला ज़रा शुरू है, तो इसलिए ज़रा सी ब्रेक लगी है। तो देखते हैं कब तक दोबारा रिज्यूम होती है चीज़ें, क्योंकि इस वक्त फसल तकरीबन तैयार है और इस वक्त बारिशों का आना ज़रा कुछ अच्छा शुगर नहीं है किसान भाइयों के लिए। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये हम वीडियो बनाने आए हुए थे लेकिन बारिश ये देखें। चलो बारिश आ गई यार, मेरा आईफोन खराब हो जाएगा, बारिश आ गई। चलो खत्म।
ये देखें, ये बारिश बहुत तेज होती जा रही है, हम गंदम की कटाई के इरादे से आए थे। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।